उत्तराखंड में जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। चंद वंश से लेकर जितने भी ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक काल तक सभी के हुए हैं, गढ़वाल में हुआ हो या फिर अंग्रेजों के द्वारा किए गए हों या टिहरी रियासत के राजाओं के द्वारा किए गए हों, उन सभी भूमि बंदोबस्त को कवर करने वाले हैं। भूमि बंदोबस्त की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी कोई राजा नया राजा बनता है, सत्ता का हस्तांतरण होता है, तो वो व्यक्ति या वो राजा चाहता है कि उस क्षेत्र में मुझे पता लगे कि मेरा एरिया भूमि का कितना है, ताकि मैं उसी हिसाब से कर टैक्स को ले सकूं। क्योंकि भारत पहले से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषि को मद्देनजर रखते हुए भूमि के बंदोबस्त की आवश्यकता पड़ती रहती थी। इसी के मद्देनजर सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है भूमि बंदोबस्त, वो कुमाऊं में देखने को मिलता है। कुमाऊं में चंद वंश के राजा रतन चंद के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यही है, चंद वंश के किस राजा ने सबसे पहले उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त किया? तो रतन चंद। तो इन्होंने भूमि का बंदोबस्त करके सबसे पहले रतन खोजने की कोशिश की। ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हैं, रतन चंद ने रतन खोजे थे भूमि का बंदोबस्त करके। उसके बाद जब 1790 में इस कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखों का शासन हो जाता है, गोरखे मतलब ये उत्तराखंड का एरिया, ये इधर कुमाऊं और ये इधर से नेपाल, नेवार जनजाति के थे गोरखे, ये जब आक्रमण करते हैं तो इधर इनका अधिकार हो जाता है। तो उनमें जो पहला गोरखा जिसने कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया, इन्होंने भी अपना क्षेत्र डिसाइड किया कि कितनी भूमि है, तो वो कौन था व्यक्ति? जोगमल शाह। जोगमल शाह ने पहला भूमि बंदोबस्त किया कुमाऊं में। और यदि कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त पूछा आपसे, तो 1708 में जोगमल 1708 में गोरखों के समय हुआ था कुमाऊं का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1708 में। इसके बाद जब यहाँ पर गोरखे स्थापित हो जाते हैं, यानी कि हम इस वाले उत्तराखंड के एरिया में देखें, इधर कुमाऊं पे गोरखे आ गए, गढ़वाल पे भी गोरखे आ गए। अब इधर भारत में ऑलरेडी जो ब्रिटिश है, औपनिवेशिक काल है, यानी कि ब्रिटिशों का जहाँ शासन रहता था, उसे औपनिवेशिक शासन या काल बोलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इनके द्वारा भूमि बंदोबस्त की कई पद्धतियां चल रही थी, जिसमें आपने जमींदारी, इस्तेमारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था देखी। ये व्यवस्था ये यहाँ पर अलग से लागू करना स्टार्ट करते हैं जब ये उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं वाले क्षेत्रों को भी जीत लेते हैं। दोनों क्षेत्रों को जीत लेते हैं तो इनका यहाँ पर अधिकार हो जाता है और टिहरी रियासत में अलग हो जाता है। तो टिहरी रियासत के राजा भूमि बंदोबस्त करेंगे, तो इधर कौन करेंगे? ब्रिटिश काल के जो यहाँ पर गवर्नर कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है ब्रिटिश गढ़वाल के, इसमें उत्तरा भारत में जो इलाका है, ये ब्रिटिश इलाका है, इसमें हम जो भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, उसमें क्या क्या लगान वसूल किए जाते थे। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशों के द्वारा उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में क्या क्या भूमि बंदोबस्त किए गए, उनसे कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको फंडा ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश काल में कितने कुल भूमि बंदोबस्त हुए। स्वतंत्रता से पहले तक 11 किए इन्होंने और स्वतंत्रता के बाद एक हुआ था, यानी कि ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त कितने हुए? 11, और स्वतंत्रता के बाद एक हुआ, तो टोटल भूमि बंदोबस्त कितने हैं? 12 है। कितने? 12 भूमि बंदोबस्त हैं। तो आपको ध्यान कौन से रखना है, ब्रिटिश काल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो 11। आज़ादी के बाद कितने हैं? एक हुआ था, और याद कितने करने? टोटल आपको 12 पढ़ने हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 मई 1815 की। 3 मई 1815 में जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तब ब्रिटिश कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डनर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कुमाऊं का पहला कमिश्नर ई गार्डनर है, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी के द्वारा ब्रिटिश कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किया जाता है, वो कब किया जाता है? 3 मई 1815 को, आप इसका ध्यान रखेंगे। उसी के बाद ट्रेल के द्वारा 1815 में, 2 महीने के बाद जब ट्रेल सहायक बन जाते हैं गवर्नर इसके ई गार्डनर के, तब 1815 में फरुखाबाद कमिश्नरी के अधीन ये गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त करते हैं। 1815 में, 15 में ही कुमाऊं का पहला और 1815 में ही गढ़वाल का पहला, लेकिन किसने किया था? ट्रेल ने। ट्रेल के द्वारा टोटल 7 भूमि बंदोबस्त किए गए हैं। तो 1815 से स्टार्ट करेंगे, 1815 में पहला कर दिया इसने। 1816 में इसके द्वारा कुमाऊं का भूमि बंदोबस्त किया गया, तो ट्रेल के द्वारा दूसरा ये हो गया। तो ट्रेल टोटल ट्रेल के 7 हैं, वैसे लोअर बली इसको 2 पढ़ना है, दूसरे नंबर का रहा। उसके बाद 3 साल भूमि बंदोबस्त, इसमें 3 साल जोड़ो, 3 साल भूमि बंदोबस्त इसमें एक जोड़ोगे तो 1 साल, ये तो 1 साल रहेगा, और जब इसमें 3 जोड़ोगे तो 20 पे चले जाओगे, तो ये 3 साल हो जाएगा।
तो 1817 में 3 साल भूमि बंदोबस्त हुआ था, यानी कि इसमें डिसाइड ये होता था कि अब जो लगान है वो 3 साल के लिए डिसाइड किया जाएगा, 3 साल के लिए सेम रहेगा। जैसे अब नेक्स्ट जो चौथे नंबर में 1820 में हुआ था, इसको 3 साल भूमि बंदोबस्त बोला गया क्योंकि ये फिर से 3 साल के लिए लगाया गया था और इसी में ही बीसी पैमाने का यूज किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 1820 में जो भूमि बंदोबस्त हुआ 3 साल के लिए, उसी को 20 साल भूमि बंदोबस्त यानी कि सॉरी 3 साल भूमि बंदोबस्त बोलते हैं, और बीसी पैमाने का इसमें यूज हुआ था 1820 के भूमि बंदोबस्त में। 1820 के बाद जब इसमें 3 जोड़ दिया तो 23 तक पहुंच जाएंगे, 3 साल तभी तो पूरे होंगे। अब 1823 से 1828 तक 5 साल बैठेंगे, तो इस वाले को क्या बोला गया, 5 साल भूमि बंदोबस्त, 5वें नंबर पर ये 3 और 2 5, ऐसे भी याद रख सकते हो 5 साल था। अब इसमें जो संवत के हिसाब से यदि 57 जोड़ते हैं तो 1880 का संवत बैठता है, तो उस संवत के आधार पर इसी को 80 साल भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया। तो 80 साल भूमि बंदोबस्त कौन सा है, जो 5वें नंबर का है। यदि आप इसमें 1823 में 57 जोड़ देंगे तो 1880 बैठेगा, तो संवत के आधार पर ये 80 साल भूमि बंदोबस्त कहलाता है। 1828 में यदि फिर से 5 जोड़ोगे तो 1833 बैठेगा, 1833 5 साल भूमि बंदोबस्त, 1833 भी 1833 तक भी 5 साल बैठेंगे, तो 1828 का भूमि बंदोबस्त भी कैसा था, 5 साल भूमि बंदोबस्त था। 1833 में ट्रेल का कार्य खत्म होता है, तो इसका अंतिम भूमि बंदोबस्त भी 1833 में लाया जाता है। अब उसके बाद बैठ ट्रेल के कितने हैं, 7, यहाँ नंबर वाइज तो 7 बैठ रहे हैं, एक गार्टनर का है लेकिन एक इसका कहाँ पर है, गढ़वाल में भी कराया था जो इसने, तो इसके पूरे टोटल 7 हो जाएंगे। ट्रेल के बाद जो बनते हैं, जो भूमि बंदोबस्त कराते हैं, वो कराते हैं बैटन। बैटन के द्वारा 1840 में 20 साल भूमि बंदोबस्त कराया गया, 20 साल बड़ा भूमि बंदोबस्त था, 20 साल के लिए टैक्स को जो है सेम कर दिया गया था, किसके द्वारा, बैटन के द्वारा 1840 में। जब आप बा लिखोगे बा, जैसे ये 8 हो रहा है, 8 क्या करती, तो 8वां नंबर का भूमि बंदोबस्त 1840 में बैटन ने कराया और 20 साल था, तो 20 × 2 = 40, 1840 में इसका भूमि बंदोबस्त हुआ था। उसके बाद 9वें नंबर का जो भूमि बंदोबस्त हुआ वो किसके द्वारा किया गया, बिकेट के द्वारा, बिकेट के द्वारा। देखो 9वें नंबर का 6 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9, तो 9वें नंबर का हो गया बिकेट के द्वारा। ये वैज्ञानिक आधार पर, 9 से मतलब नॉलेज भी ध्यान रख सकते हो, वैज्ञानिक नॉलेज के लिए चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था। सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था, जो 9वें नंबर का था, किसके द्वारा किया गया, विकेट के द्वारा किया गया। उसके बाद 10वें नंबर का भूमि बंदोबस्त 1894 और 1895 का है। उस टाइम कुमाऊं में गूंज ने रिपोर्ट तैयार की थी और गढ़वाल में पो ने रिपोर्ट तैयार की थी, तो आप ध्यान दे इस पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे का लिखा है कुमाऊं, ऊ की मात्रा आ रही है और गूंज ऊ की मात्रा है, तो कुमाऊं में रिपोर्ट तैयार की गूंज ने और गढ़वाल में रिपोर्ट तैयार की थी पो ने, तो ये कौन से नंबर का भूमि बंदोबस्त था, 10वें नंबर का, 1894-1895 में हुआ था। और यदि अंतिम संयुक्त भूमि बंदोबस्त पूछे तो आपको विकेट वैज्ञानिक आधार पर लगाना है कि इसको वैज्ञानिक तौर पर अंतिम भूमि बंदोबस्त भी बोलते हैं। उसके बाद 11वें नंबर का 1928 में होता है, ब्रिटिश काल का यह अंतिम भूमि बंदोबस्त था 1928 में, इसको इबटसन के द्वारा कराया गया था, लेकिन आपसे कमिश्नर पूछे तो एनसी स्टिप थे उस टाइम, कमिश्नर स्टिप थे और भूमि बंदोबस्त कराने वाले इबटसन थे, तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ था। उसके बाद जो अंतिम है, समस्त उत्तराखंड का भारत सरकार के द्वारा यानी कि यूपी सरकार के द्वारा संयुक्त प्रांत के द्वारा कराया गया था 1960 और 1965 में। इस टाइम कम से कम 90% लोगों को, मजदूरों को जो है लगान से मुक्ति दी गई, कितने 90%। तो ये थे हमारे ब्रिटिश काल के। अब हम बात करते हैं टिहरी रियासत के, तो टिहरी रियासत के लिए सबसे पहले आपको इनके जो व्यक्ति हैं, राजा हैं, इनका सीक्वेंस याद करना है एक ट्रिक से, सुबह प्रातः की नमस्ते, सुबह प्रातः की नमस्ते, तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या है, सु से सुदर्शन शाह याद हो जाएगा, भ से भवानी शाह याद करेंगे आप, प्रताप से प्राता से प्राता प्रताप शाह याद करेंगे, की से कीर्ति शाह याद करेंगे, ना से नरेंद्र शाह और माँ से मानवेंद्र शाह। तो ये तो इनका सीक्वेंस हो जाएगा, ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। अब इन्हीं के द्वारा भूमि बंदोबस्त भी इसी प्रकार से किए गए हैं। जैसे टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त पूछा आपसे, सुदर्शन शाह ने 1823 में किया था, सुदर्शन, तो सुदर्शन यानी कि 2 और 3, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकेंगे, 2 3, 1823 में सुदर्शन शाह ने किया, 1860 में भवानी शाह ने, जैसे वाह में 0 बनना है तो आप इसको 6 ऐसे याद कर सकते हैं, 1860 में भवानी शाह ने कराया था भूमि बंदोबस्त। टिहरी रियासत का तीसरा 1873 में प्रताप शाह ने, जैसे टेम्परेचर आप चेंज करते हो ना, 273 जोड़ते हो, तो ऐसे ही आप डिग्री सेल्सियस को
केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, तो आप ऐसे ताप से ध्यान रख सकते हैं कि 73 लास्ट में किसके था, प्रताप शाह वाले के, 1873 में प्रताप शाह ने कराया, ये आपको मैच कराने के लिए भी आ जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का जो भूमि बंदोबस्त था 1903 में कीर्ति शाह ने कराया, तो आप जब कीर्ति शाह पढ़ोगे तो आप इसे तीन ऐसे भी पढ़ सकते हो कि कीर्ति शाह ने कौन से नंबर का कराया था, चौथे नंबर का 1903 में कराया था। फिर उसके बाद पांचवें नंबर का 1924 में टिहरी रियासत का अंतिम है नरेंद्र शाह ने कराया 1924 में, तो टिहरी रियासत का अंतिम से बोलेंगे क्योंकि अंतिम में टिहरी रियासत में मानवेंद्र शाह के द्वारा कोई भूमि बंदोबस्त नहीं कराया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, जैसे यदि आपसे पूछे कूजा एक्ट का संबंध किससे है, से भूमि बंदोबस्त से संबंधित था कूजा एक्ट। 1861 में घराटों पर टैक्स लेने वाला व्यक्ति कौन था, विकेट था। विकेट विकेट ने भूमि को कितने भागों में बांटा था, पांच भागों में बांटा था। नॉन रेगुलेटिंग एक्ट कब का, 1819 का, जो ट्रेल लाए थे राज्य को। देखो ये नॉन रेगुलेटिंग एक्ट है, अब आपको कमेंट करके बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कब का है, जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। राज्य को हिल स्टेट का नाम नैनीताल गजेटर में छपा था 1904 में। उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत का अंग कब बनाया गया था, 1937 में। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का अंग, संयुक्त प्रांत था जब, बहुत बड़ा क्षेत्र था, तब 1937 में अंग बनाया गया। और उत्तर प्रदेश का अंग कब बना, ये 1950 में बना आज़ादी के बाद। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामित्व कौन होता था, जमींदार होता था, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के अंतर्गत ब्रिटिश के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।